समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास नाइन्थ के लिए है और जो टॉपिक होगा वो क्षेत्रमिति का होगा। बहुत से नाइन्थ के बच्चे फोन करके कह रहे थे कि सर नाइन्थ का भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो डालिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो प्रयास मेरा रहेगा कि नाइन्थ वाले बच्चे कुछ पढ़ें, घर पे रह करके अध्ययन कर सके। और यह मेंसुरेशन जो टॉपिक होगा क्षेत्रमिति का, वो बेसिक नाइन्थ में बहुत ज्यादा है। यदि नाइन्थ का मेंसुरेशन यदि बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो टेंथ में बहुत आराम होगा और कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा काम करेगा। तो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रमिति में, और क्षेत्रमिति का जो मेरा पहला टॉपिक है वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला या हीरो का सूत्र। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, उस पे कैसे हम हिसाब को बनाएंगे, आज उसी की चर्चा करेंगे। और आप शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज सबसे पहले सवाल है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना? त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जब त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। यदि उसके गुणधर्म आप जान रहे हैं तो फिर समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए इसी पे विचार करते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख दें। त्रिभुज ट्रायंगल तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो आकृति तीन सरल रेखा किसी प्रकार का भी हो सकता है, आपका ए बी सी। ए बी सरल रेखा है, बी सी सरल रेखा है, ए सी सरल रेखा है। तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, इसको कहेंगे शीर्ष, वर्टेक्स। और ए बी बीसी ये जो है इसका साइड है, ए बी है, बीसी है, एसी है, इसका क्या है? साइड है, साइड भुजा। और ये त्रिभुज के कोण है, कोने कोण बी कोण सी। भुजा को हम लोग डिनोट करेंगे, भुजा इसका होगा ए बी बीसी और एक भुजा इसका है एसी। और इसके कोण जो होंगे, कोण ए कोण बी कोण सी।
ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, और त्रिभुज में छह भाग होते हैं। त्रिभुज में छह भाग होते हैं, छह भाग होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण। ध्यान रखिएगा, ए इसका शीर्ष है, बी इसका शीर्ष है, सी इसका शीर्ष है। तो ये तो त्रिभुज के बारे में हो गया। और एक और पॉइंट है, देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है भुजा के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला पॉइंट है, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो फिर से एक बार आप इसको समझिए, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो हम तीनों के बारे में पहले समझते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, आप इसे नोट कीजिए। पहले भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है, भुजा के आधार पर, आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहला हम इसके बारे में देखेंगे, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान लंबाई की हो, समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। फिर से समझ लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए, जैसे ये कोई त्रिभुज है, नाम है ए बी सी, हम निशान लगाते हैं ए बी का, बी सी का और ए सी का, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, यहां लिखेंगे कि अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये कोण होगा मेरा 60 डिग्री का, ये कोण भी होगा 60 डिग्री का और ये कोण भी होगा 60 डिग्री का। तो ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा एबी की लंबाई, बीसी की लंबाई, एसी की लंबाई तीनों आपस में बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। यदि कहा जाए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो जवाब है 60 डिग्री। अब इसके मेंसुरेशन में क्या इसका यूज है क्षेत्रमिति में समबाहु त्रिभुज का, आइए कुछ उसके फॉर्मूले हैं उसको भी देख लें। तो सबसे पहला या परिभाषा पहले आप देख लीजिए तीनों का, है ना, उसके बाद हम फॉर्मूला अलग से लिखेंगे। तो दूसरा है, ये तो आपका समबाहु त्रिभुज का हो गया, दूसरा है सम द्वि बाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल। दूसरा था सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे फिगर आप देखिए, ए बी सी, ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, ए सी तीसरी भुजा, यहां से हो जाएगा परिभाषा के अनुसार ए बी बराबर हो सकता है बी सी का, या बी सी बराबर हो सकता है ए सी का, या ए बी बराबर हो सकता है ए सी का, इनमें से कोई भी लागू अगर है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ए बी बी सी के बराबर, बी सी ए सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर, अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो त्रिभुज सम द्विबाहु होगा। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी
कोई भी भुजा बराबर ना हो, अर्थात दूसरे शब्दों में तीनों भुजा अलग 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 लंबाई की हो। जैसे फिगर देख लीजिए, देखिए ए बी, ए यहां बी और क्या सी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों भुजा समान लंबाई की हो, सॉरी तीनों भुजा समान लंबाई की नहीं हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो मेरा है वो बिल्कुल विषम बाहु त्रिभुज पर है, विशेष करके उसी के लिए है क्योंकि इस भुजा की लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है, तो अलग अलग है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला पर आएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले एस निकालेंगे। तो आइए उसी बिंदु पर हम चलते हैं डायरेक्ट, तीनों का परिभाषा हो गया, क्योंकि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो उसका गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज पर भी प्रश्न है, और विषम बाहु पर अर्थात हीरोन्स फॉर्मूला पर जो है अब आते हैं, जो टॉपिक है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसके लिए, स्केलेन ट्रायंगल के लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। तो सबसे पहले उसी बिंदु पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अधिकतर हिसाब आपका उसी पे होगा। हीरोन का सूत्र है ना, या हीरो का सूत्र भी रहता है, इस पर हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई आपका भिन्न भिन्न है, ए है, बी है और क्या है, सी है। ये शीर्ष ए है, तो ए के सामने स्मॉल ए होगा, बी के सामने स्मॉल बी होगा, और सी के सामने स्मॉल सी, क्या सी तो ही रहेगा। तो ये भुजा की माप है, ए जो है इंगित करेगा, सूचित करेगा भुजा को, बी उसकी भुजा है, सी उसकी भुजा है। तो जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों भुजा की लंबाई अगर अलग अलग है, तो हम वहां से पहले एस निकालेंगे। एस इसमें एस क्या है, एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। अगर तीनों भुजा अलग अलग है तो हम पहले S निकालेंगे, अर्थात S क्या है, अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमिति है, सेमी पेरिमीटर अर्ध परिमिति है। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाय टू। हां ये कब यूज करेंगे, जब इस त्रिभुज की ऊंचाई आपको नहीं मालूम है तब। अब यहां से सबसे पहला फॉर्मूला आपका शुरू होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र, हीरोन का सूत्र, क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट एस S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S तो हम पहले निकाल चुके हैं, S बराबर यूज करेंगे पहले A प्लस बी प्लस सी बाय टू, अर्थात तीनों भुजाओं का योग का आधा S कहलाएगा। और अगर S मालूम है तब हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब आपका आधार मालूम है, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है, नाम है ए बी और क्या सी, ये इसकी ऊंचाई है, ए बी इसकी क्या है ऊंचाई है h, ऊंचाई को प्रायः h से सूचित किया जाता है, ऊंचाई या शीर्षलंब जो आप समझिए ये इसका आधार है। अगर त्रिभुज का आधार मालूम है और ऊंचाई मालूम है तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इस पर क्षेत्रफल निकलेगा। फिर इस ये सूत्र हम कब लगाएंगे, जब तीनों भुजा अलग अलग दिया हुआ हो, है ना, या तीनों भुजा की लंबाई मालूम हो ऊंचाई मालूम नहीं हो, तो S निकालेंगे और उसके बाद हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तीसरा है त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की क्या परिमिति, परिमिति का मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योग, किनारे किनारे जो है, जैसे ए से बी तक है, बी से सी तक है, ए से लेके सी तक घेरा, परिमिति मीन्स क्या, किनारे किनारे घेरा। तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे तो वो परिमिति कहलाएगा। तो त्रिभुज का तो इतना बात हो गया। अब इसके बाद त्रिभुज में ही जब हम आएंगे तो समबाहु त्रिभुज में क्या गुण है, क्या फॉर्मूला है, इसके बाद हम उसी को देखेंगे। इसमें तो समझ गए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र कब लगाएंगे, जब मेरी भुजा त्रिभुज का अलग अलग दिया हुआ हो या समान भुजा भी है तब भी हम S निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे, या अगर समान है तो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, या अगर आधार मालूम है, अगर आधार मालूम है ऊंचाई मालूम है या शीर्षलंब मालूम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज अभी परिभाषा हम लिखाए थे, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई समान हो, तीनों भुजा की लंबाई क्या हो समान हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट थ्री बटा चार गुने भुजा स्क्वायर, रूट थ्री बटा चार गुने भुजा स्क्वायर। जैसे ये आपका समबाहु त्रिभुज है ए बी और क्या सी, तो ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, ए सी की लंबाई, तीनों लंबाई अगर आपको मालूम है और तीनों समान है, अरे एक भुजा ही मालूम है तो तीनों भुजा मालूम हो जाएगा, अगर एक भुजा 10 है तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा कहता है तीनों भुजा 10-10 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या तीनों भुजा अगर मालूम है ही तो S निकालने के बाद भी हम हीरोन्स फॉर्मूला पे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों से क्षेत्रफल जो आएगा वो समान आएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें और पॉइंट्स हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट थ्री बाय टू गुना भुजा। तीसरा है समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति तीन गुना भुजा, तीन गुना भुजा। ये तीन फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के लिए है, आप तीनों को बढ़िया से ध्यान से देखते रहिएगा।
आपका हिसाब भी बनते रहेगा। इसके बाद है सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b बटा 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सम द्विबाहु त्रिभुज जैसे ये भुजा a है, ये भी भुजा a है, और ये आधार आपका दिया गया है b। आधार क्या दिया गया है? आधार b है, और दोनों भुजा अगर इसका बराबर बराबर दिया हुआ है तो सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b बटा 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है सम द्विबाहु, सम द्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, सम द्विबाहु समकोण का क्या अर्थ है? सम द्विबाहु तो समझ रहे हैं दो भुजा बराबर, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। फॉर्मूला होगा 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आपका त्रिभुज से रिलेटेड हो गया। अब क्या है इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम प्रयास करते हैं कि आपको पहले हम समझा दें और आप घर में ज्यादा से ज्यादा रह करके प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों ने अभी देखा और उसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रश्न को हम बना देते हैं, आपको बढ़िया से समझा देते हैं और आप अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हीरोन्स फार्मूला वाला और बैठ करके आप उस बनाइए उससे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित त्रिभुजों का, निम्नलिखित त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें? क्षेत्रफल। कब एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेमी 14 सेमी और 15 सेमी है, फिर दूसरा है 5 सेमी 12 सेमी 13 सेमी, एक को बना देंगे तो 1, 2, 3 प्रश्न बिल्कुल इसी के जैसा है आपसे बन जाएगा। जैसे जैसे हम बताएंगे आपको उसी तरीके से बनाना है। तो एक नंबर का क्वेश्चन का ये विचार करते हैं, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेमी 14 सेमी और 15 सेमी है। कल्पना करो कि यही आपका कोई त्रिभुज है, नाम दे दीजिए इसका ए बी सी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या भुजा है, 13 सेमी और क्या है 14 सेमी और क्या है 15 सेमी। तीनों भुजा मालूम है ना, वो भी भिन्न भिन्न है। तो उसी के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम। यदि आपको कभी भी लाइफ में त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हो या तीनों भुजा एक समान हो या दो भुजा एक समान हो, मतलब तीनों भुजा मालूम है, तो आप पहले एस निकालेंगे और एस निकालने के बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला वाला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जरा सा देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा टू, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। ए कितना है तो 13 है, ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी होगा और सी के सामने सी होगा प्राय। तो आप एक काम करिए, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा कितना तो 2, आप प्लस कर दीजिए 5, 4, 9, 3, 12 का 2, बाकी कितना 1, 3 और 1, 4 बटा 2 कट जाएगा तो 21 आएगा। 21 क्या आ गया मेरा,
एस आ गया है अर्ध परिमिति। जब एस मालूम है तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा एस कितना है तो 21 है, एस माइनस ए तो 21 माइनस कितना 13, फिर 21 माइनस कितना 14 है ना, फिर 21 माइनस कितना तो 15। एस के जगह एस का मान, ए के जगह ए का मान, बी के जगह बी का मान और सी के जगह सी का मान हम क्या किए बैठा दिए। अब देखिए अंडर रूट 21 गुना 21 में से 13 गया तो 8 बचेगा, 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा और 21 में से 15 गया तो 6 बचेगा। आपके सामने है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, यहां से इसका गुणनखंड करेंगे। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, आप सबको पहले गुना कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। आपके पास दो रास्ता है, चयन आपको करना है, लेकिन गुना करने से बढ़िया है कि इसका यदि आप गुणनखंड करते हैं तो आपका समय बचेगा और समझ में भी आएगा और ज्यादा वर्डन भी आपके ऊपर नहीं होगा। 21 को हम क्या फैक्टर कर सकते हैं इसका, तो 3 × 7 3 × 7 = 21। 8 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2। 7 का तो फैक्टर होगा ही नहीं, रहने दीजिए। और 6 का तो 2 × 3। जब सब आपका गुणनखंड हो जाए तो देखिए यहां कुछ नहीं है तो इस चिन्ह के अंदर हमेशा 2 रहता है और ये मेरा करनी घात है। करनी घात कितना, वहां कुछ नहीं है तो 2 है तो यहां कुछ नहीं है मींस 2 है, अर्थात जोड़ा लगाएंगे 2 में। जैसे यहां 2 कितना है, 1, 2, 3, 4 × 2 है तो 4, 2 का अगर जोड़ा लगाएंगे तो यहां जोड़ा लग गया, आई दोनों मिलकर के जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे यहां से अब रूट नहीं रहेगा तो 2 बाहर हो गया यहां से, ई दोनों 2 में से 1 और 2 क्या करेंगे बाहर। 3 कितना है, 1, 3 यहां 1, 3 यहां 2, 3 तो 2, 3 में से 1, 3 क्या होगा बाहर होगा। 7 कितना है, 2 × 1 = 7 भी बाहर आ गया था, इसका वर्गमूल आसानी से निकल गया। अब गुना कर दीजिए, आप यहां से गुना करो 37 + 21 = 21 = 42 42 × 2 करो तो 84 है ना। अब मीटर था या सेंटीमीटर, चूंकि मात्रक यहां सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर अगर आपको लिखना है तब लिखिए, या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यदि सेंटीमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक या तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर मीटर रहता, अगर यहां मीटर रहता तो वर्ग मीटर लिखते या मीटर स्क्वायर लिखते, तो ये आपका आंसर हो गया ठीक ना। तो ये किसके लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। एस कब निकालेंगे, जब तीनों भुजा मेरा भिन्न भिन्न हो, अर्थात तीनों भुजा मालूम हो, तब हम एस निकाल के हीरोंस फॉर्मूला पे उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन तो हम बना दिए और ये देखिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये आपके लिए है, मेरे जैसा आप बिल्कुल बनाइए एकदम बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 2 नंबर में, क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का, जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी 11 सेमी और परिमाप 32 सेमी है। परिमाप मीन्स क्या, हम बताए थे आपको परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं का योग। अगर 2 भुजा मालूम है और परिमाप में चूंकि 3 भुजा है तो उसमें से अगर घटा देंगे हम तो 3री भुजा निकल जाएगा, और 3री भुजा मालूम हो गया तो एस निकाल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखिए,
दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। देखिए एक त्रिभुज इसी प्रकार का है, नाम दे दीजिए ए बी और क्या सी, और कहा इसकी दो भुजा मालूम है 8 और 11। कल्पना करो कि ये 8 है और ये 11 है, ये भुजा आपको नहीं मालूम है। ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है और परिमाप दिया गया है 32। ये 32 सेंटीमीटर है परिमाप। परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं को जोड़ करके होता है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यहां पे क्या देख रहे हो, चूंकि त्रिभुज का परिमाप कितना 34 है ना, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का परिमाप के नीचे लिखेंगे 32। तीनों भुजा मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आप देखिए 32 बराबर ए कितना है 8 प्लस 11 प्लस सी, तो यहां से 32 बराबर 11 में 8 को जोड़ दीजिए तो 19 हो गया। अब प्लस सी, तो अगर सी बराबर लिखना चाहेंगे तो 32 घटा 19, सी बराबर कितना आ गया 12 में से 9 गया 3, 13 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, इसका क्या निकल गया तीसरी भुजा, ये आ गया 13 सेंटीमीटर है ना। तो अब क्या करेंगे हम S निकालेंगे, S बराबर निकाल ही लीजिए A प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये दिमाग में सेट है। तो A कितना देख के बताओ 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा 2। अब आप जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, ये तो जोड़ करके 32 परिमाप था ही ना मेरा, अब बटे 2 कट गया तो 16 है ना। यहां से S बराबर आ गया 32 बटा 2 कट जाएगा तो 16 आ गया सेंटीमीटर, यस आ गया। अब क्या निकालना है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा फॉर्मूला होगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है तो एस का मान है 16, तो 16 घटाओ 8, फिर कितना घटाएंगे 16 घटाओ 11, फिर 16 घटाओ 13, कितना आ गया 16 गुना 16 में से 8 घटा देना 8 आएगा, फिर 16 में से 11 घटा देंगे तो 5 आएगा और 16 में से 13 घटा देंगे तो 3 आएगा। हम यहां से दो तरीका बताए, या तो पूरा गुना कर लो वर्गमूल निकाल दो, या गुना नहीं करने की इच्छा है तो इसका गुणनखंड कर दो। तो 16 है, 16 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार आएगा। 8 को क्या करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार आएगा। 5 तो टुकड़ा है ही, 3 भी आपका टुकड़ा है ही, क्या होगा नहीं। 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो जोड़ा नहीं लगेगा, जोड़ा 6 को में ही लगेगा। तो 2 बाहर हो गया, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 1 2 बच गया, तो 2 गुना 5 गुना 3 तो ये हो गया 8। कितना हो गया 2 गुना 6 2 4 2 8 5 3 15 2 30 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर कभी भी परिमाप दिया हुआ है और 2 भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा पहले निकाल लेंगे, और तीसरी भुजा जब मालूम होगा एस निकाल के हीरोंस फॉर्मूला पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं कि आपका हो गया 2 नंबर। इस टाइप का अगर बुक में क्वेश्चन होगा तो आप जरूर बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर, कहता है आधार 10 सेमी है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 13 सेमी है, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
सम द्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? सम द्विबाहु ए बी सी, आधार दिया गया है 10, ये पूरा है 10 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है ना। बराबर भुजाओं में से एक भुजा 13, 13 है, तीन ही कितना 13। देखिए त्रिभुज तो सम द्विबाहु है, तो हम यहां से सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला डायरेक्ट दिए हैं, बी बटा 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप उस पर भी बनाएंगे तो भी आ जाएगा, अन्यथा ये तीनों भुजा की इसका मालूम है तो हम एस निकाल लेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ए 10 प्लस 13 बटा 2, ये 13 13 26 अंदर 36 बटा 2 कट के 18 आ गया। एस का मान कितना आ गया? एस का मान आ गया 18 सेंटीमीटर अर्ध परिमिति। अब यहां से निकालेंगे किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है? एस का मान है 18, और ध्यान दीजिएगा ए ए का मान कितना है, तो 18 माइनस कितना 10, फिर क्या लिखेंगे 18 माइनस कितना 13, फिर क्या लिखेंगे, फिर तो 13 ही है, तो 18 माइनस कितना 13। एस का मान एस की जगह, ए का मान ए की जगह, सब बैठा दिए, बी बैठा दिए, सी बैठा दिए। अब ऐसा करो, सरल करो, 18 गुने 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा, 18 में से 13 घटेगा तो 5 बचेगा, और 18 में से 13 घटेगा तो भी 5 ही बचेगा। अब 18 को तोड़ दीजिए, 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 दुनी 18, 8 को तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 2, 5 तो मेरा टूटा हुआ है, दोनों 5 को लिख लीजिए, जोड़ा लगाइए, जोड़ा क्या लगेगा, 2 कितना है 1 2 3 4, तो ये तो जोड़ा लग गया, तो यहां से बाहर क्या होगा, 4 2 में से 2 को 2 बाहर आ गया, 3 2 को है, 1 3 बाहर आया, 5 यहां 2 को है, तो 1 5 भी क्या हुआ, बाहर आ गया, 5 किया 15 अदुनी 30 अदुनी 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका निकल गया क्षेत्रफल। आप इस तरह निकाले, एस निकाल के निकाले, और जो बड़ा आधार होता है, आधार को प्रायः बी से सूचित करते हैं, और जो बराबर भुजा है उसको ए से सूचित करते हैं, है ना। तो याद करिए सम द्विबाहु त्रिभुज, यदि आपको डायरेक्ट निकालना हो तो सम द्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, हम उसके ऊपर डायरेक्ट बैठा के निकाल सकते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आपको बता दें, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखाए हैं, बी बटा 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करिए, बी का वैल्यू कितना है 10 बटा 4 अंडर रूट 4, ए का वैल्यू 13 का स्क्वायर है ना, माइनस बी का वैल्यू 10 का स्क्वायर। ऐसा करो, सरल करो, 10 बटा 4 अंडर रूट 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 आएगा, 4 गुना 169 घटा 100, तो 10 बटा 4 कटा भी सकते हो या लिख भी सकते हो, तो गुना करिए 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, 6 चौका 24 3 27 4 2 6 घटा 100, हम लिखेंगे 10 बटा 4 676 में से 100 घट जाएगा तो 576, 10 बटा 4 गुने 576 का वर्गमूल 24, 4 से कटेगा
तो 6 आ जाएगा, 6 गुना 10 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी हीरोन्स फॉर्मूला पे हम निकाले थे तब भी 60 आया, डायरेक्ट हम समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पे क्षेत्रफल निकाले तो भी 60 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीका से हम आपको बता दिए ताकि आपका बेस मजबूत रहे, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं हो, किसी भी मेथड से बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा। एस निकाल के बनाए तो भी 60 आया, और अभी आपको हम फॉर्मूला पे डायरेक्ट बनाए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तब भी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया। दो तरीका से हम आपको समझा दिए, आपको जो अच्छा लगे आप बिल्कुल घर में बनाइए। मेरा सलाह है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का कोई भी हिसाब हो तो आप दोनों तरीके से बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए विचार करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल हम आपको दिए हैं। देखिए ये जो दोस्त क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा सवाल है, तो दोनों सेम सेम है। आप लास्ट वाला ही देखिए, कहा कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाण 540 सेमी है, तो कहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इस त्रिभुज का क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें। या ऊपर का सवाल अगर है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालें। भूखंड त्रिभुजाकार है, दोनों सेम है ना, तो हम आपको नीचे वाला बना देते हैं, ऊपर वाला खुद से बना लीजिएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, देखिए ये त्रिभुज है ए बी और क्या सी, और 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिमाप है। परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए तीनों भुजाओं का योग 540 है, तो अनुपातिक मान देखिए 12, 17, 25 है ना, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः अनुपात में कभी भी रहे, तो तीनों के साथ आप x लगा दीजिए अनुपातिक मान। तो माना कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः पहले 12 है तो 12x, फिर कोमा देंगे 17 है तो 17x, और कितना 25x है। कभी भी अनुपात में रहे तो x लगा करके हम बना लेंगे, सब में x लगा देंगे, x का मान आएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करिए, परिमाप दिया गया है ना, त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, और परिमाप चूंकि पहले से मालूम है कितना 540 मीटर है कि सेंटीमीटर, देख लीजिए परिमाप सेंटीमीटर में बिल्कुल ठीक है। a का मान देख लीजिए कितना है, 12x है। b का मान कितना है, 17x है। c का मान कितना है, 25x है। ये हो गया 12x, ये हो गया 17x और ये हो गया 25x। 540 बराबर 5 7 5 12 2 14 4 बाकी 1 2 1 3 1 4 और 1 5 54x। इसीलिए जब x का मान निकालेंगे 540/54, ये तो कट जाएगा ना 10 बार में, x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर है ना। और देखिए परिमाप दिया गया है, बता दीजिए परिमाप में स्क्वायर नहीं होगा, क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप है ना, क्या है परिमाप है, क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर होता। अब क्या करिए, पहले भुजा निकाल लीजिए, अगर 12x है तो 12 × 10 = 120 सेंटीमीटर है ना, फिर 17x है तो 17 × 10 = 170 सेंटीमीटर, और 25x है तो
तो 25 गुना 10 अर्थात 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजा देख लीजिए, मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले S निकालेंगे। S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बटा 2, और S A कितना है, 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे 2, और आपको तो जोड़ करके पता है ना कि जोड़ेंगे तो आया कितना, 540। अब क्या करेंगे, S जब मेरा मालूम हो गया तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर आ जाएगा 540 बटा 2, ये कट जाएगा तो 270, S बराबर आ गया 270 सेंटीमीटर। S अगर हमें मालूम है तो हम यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा आ गया। अब S का मान कितना है, S का मान देख लीजिए 270, और 270 माइनस A का वैल्यू है 120, फिर लिखेंगे 270 माइनस 170, फिर लिखेंगे 270 माइनस कितना 250। अब क्या कीजिए, घटा दीजिए, 270 गुना 0, 7 में से 2 गया 5, 150 गुने 0, 0, 1 गुने 20, या तो पूरा गुना करिए या तो फैक्टराइज करिए, आपकी मर्जी। देखिए सबसे पहली बात कि 270 है, यहां से 270 को हम लिख सकते हैं 270 गुना 10, लिख सकते हैं ना, सॉरी 27 गुना 10, 150 क्या लिख सकते हैं, 15 गुना 10, 100 का तो फैक्टराइज कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं 10 गुना 10, है ना, और 20 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5 पूरा तोड़ दीजिए। अब इसका पूरा फैक्टराइज कर लीजिए, या इतना कर लीजिए फैक्टराइज, 27 को तोड़ दीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, फैक्टराइज करने में आसान होगा इसलिए हम इसका ब्रेक किए, या आप डायरेक्ट इसका टुकड़ा टुकड़ा कर सकते थे। फिर 10 को तोड़ देंगे, 2 गुना 5 15 को तोड़ देंगे, 3 गुना 5 10 को तोड़ देंगे, 2 गुना 5 फिर 10 को तोड़ देंगे, 2 गुना 5 10 को तोड़ देंगे, तो 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 2 गुना 5, है ना, बहुत ज्यादा हो गया। या तो गुना करके ही वर्गमूल निकाल सकते थे, दोनों तरीका हम बता देंगे आपको, गुना कर लीजिए तब वर्गमूल निकालिए, या तो पूरा जो है फैक्टराइज कर लीजिए। 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से केक बाहर होगा, 3 को 2 बाहर होगा, 3 कितना है, 1 2 3 4 4 वो है, 3 2 को बाहर आ गया, 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसीलिए 5, 3 को बाहर आएगा, और तो कोई अंक नहीं ना है यहां पे। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 5 25 25 गुना 5 125 125, गुना कर दीजिए, 3 3 9 9 2 18 2 36 2 72, तो 72 गुना 125। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो 9000 आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 125 में 72 गुना करेंगे तो कट जाएगा, 8 9 72 9 आ गया, 3 0, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो पहले क्या किए, परिमाप दिया हुआ था, अनुपातिक मान में x लगा दिए, x का मान निकाले 10 आया, तीनों भुजा अलग अलग हम निकाल लिए, s निकाल करके हीरोंस फॉर्मूला पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप इसको बनाइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, तभी आपके लिए बेहतर होगा। और एक खास रिक्वेस्ट है, चूंकि 9th के लिए ये मेरा पहला वीडियो है,
तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो फॉर्मूला हम आपको शुरू में बता दिए, प्लीज आप उसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा ईमानदारी से। उसके बाद आप एक्सरसाइज में आइए, मेहनत करिए, जो टाइप हम बता दिए हैं इस टाइप के ऊपर आप अधिक से अधिक प्रश्न को बनाएं। यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे हम आपकी समस्या को हल करें। और धन्यवाद।